हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पिछले एग्जाम में आ चुके हैं आर्मी के एग्जाम में। और वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को लेवल पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात करें। देख सकते हैं 16a² को 4a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू यही होगी, माइनस 9b² को लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। अब एक सरस्वमिका देखिएगा यहाँ पर होती है, a² - b² बराबर a + b a - b, ये दो ब्रैकेट में लिखेंगे तो सरस्वमिका से यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4a + 3b। यहाँ पर देखिएगा सरस्वमिका के रूप में लिखा है, यहाँ पर हो जाएगी 4a - 3b, तो ये इसका सल्यूशन होगा। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, 6 साल बाद उनका अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिएगा विशाल और शेखर यहाँ पर पहले लिख लेंगे, और इनकी आयु का अनुपात दिया है 14:17। इसमें देखिएगा तरीका बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे दूसरा अनुपात 17:20। अब देखिए यहाँ अनुपात में वृद्धि हो रही है 3 की, 14:3 = 17, यहाँ भी देखिए 17:3 = 20, अनुपात में तो 3 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 बराबर दिया है 6 वर्ष, क्योंकि वर्ष में दिया है ये 6 वर्ष, तो 3 अनुपात की वैल्यू 6 की होगी, तो 1 अनुपात बराबर निकालेंगे तो 1 3 2 6, 3 1 3 3 2 6, 1 अनुपात की वैल्यू 2 होगी। तो कह रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तो शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 17 है, तो 17 बराबर जब 1 = 2 है तो 17 बराबर निकालेंगे, तो 17 × 2 करेंगे तो 34 वर्ष हो जाएगी। यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा? तो देखिएगा यहाँ पर 40% बराबर दिया है वैल्यू 20, और संख्या होती है 100%, तो यहाँ पर 100% निकालना है, तो पहले 1% की निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू ये शून्य शून्य कैंसिल करेंगे तो 2/4 हो जाएगी, ये 4/4 में जाएगा, तो 100% पहले निकालेंगे, पहले वो संख्या निकालेंगे तो 2/4 × 100 कर देंगे यहाँ पर, तो देखिएगा 4 × 1 = 4, फिर यहाँ पर 25 × 4 = 100, तो 25 × 2 = 50 हो जाएगा, संख्या तो 50 होगी। अब 50 का 25% निकालना है, उस संख्या का 25%, तो 25/100, तो यहाँ पर देखेंगे 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा 2 × 2 = 4, यहाँ पर देखे 25 × 2 = 50, तो 25 का ½ करेंगे तो 12.5 होगी, उस संख्या का 25% 12.5 वैल्यू। इसी में tan 30° की वैल्यू होती है 1/√3। यदि 182 को 3:5, 5:4, 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा? तो सबसे पहले देखिएगा जो अनुपात में वैल्यू दी है, 30 अनुपात में बांटना है 182 को, तो पहले अनुपात में योग देख रहे हैं कितना होगा, तो देखिए 3, 5, 8, 8, 4, 12, 1, 13, अनुपातिक योग जोड़ने पर आएगा 13, और 13 बराबर दिया है 182, ये टोटल वैल्यू है 182, तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 13 × 1 = 13, फिर 5 = 52, 13 × 4 = 52, तो 1 अनुपात की वैल्यू 14 हो गई। तो कह रहा है कि न्यूनतम भाग क्या होगा, तो न्यूनतम भाग अनुपात में तो 1 ही है जो कि 14 के बराबर है, तो यही इसका सलूशन हो जाए। x + 3 x + 5 का गुणनफल होगा, तो यहाँ पर गुणा करके देख लेंगे, तो जब गुणा करेंगे एक्स का एक्स से तो x² हो जाएगा, फिर प्लस एक्स का गुणा 5 से करेंगे तो 5x, प्लस 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x, और 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 × 5 = 15, तो वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 5 और 3 जुड़ेगा तो 8 होता है, यानी 8x हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे और प्लस 15, ये इसका सल्यूशन। यदि a = 5 b = 6 तो a + b² + a - b² का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देखिए a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 5 और 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 6² फिर प्लस 5 - 6² a - b², तो यहाँ पर 5 और 6 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और प्लस 5 में 6 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक कैंटीन में 1 सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? तो 1 सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, यहाँ पर लिखे यदि तो 7 दिन, और 28 दर्जन है तो 28 × 12 कर देंगे, 1 दर्जन में 12 केले होंगे, तो टोटल केलों की संख्या 28 × 12, तो देख लेंगे वैल्यू, तो यहाँ लिखा है 7 दिन में, देखिएगा एक एक नियम से लगाएंगे, 7 दिनों में यहाँ पर केलों की आवश्यकता होती है 28 × 12, तो 1 दिन का निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 1 दिन का निकालेंगे तो 28 × 12,
और बटे हो जाएगा 7। इतने केलों की आवश्यकता होगी, कैंसिल आउट करेंगे 7 चौक 28 तो 12 चौक 48 केले एक दिन में। तो 47 दिन का पूछा है, तो यहाँ पर 47 दिन का निकाल लेंगे, तो 47 × 48 करेंगे, तो यहाँ पर जब दोनों का गुणा करेंगे तो वैल्यू 2256 होगी। आप लोग गुणा करके देख लेंगे, यही इसका आंसर होगा। 47 दिनों में केलों की आवश्यकता होगी। 512 होता है, मतलब 8³ बराबर वैल्यू 512। इसका अगला क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, कार द्वारा 1 घंटा 30 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। दूरी बराबर, डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो चाल दिया है देखिए स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटा, और या कि इसको लिखेंगे 3/2 घंटे देंगे 3/2, तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 + 3 = 6, तो 30 × 3 = 90 किलोमीटर हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹250 है, उसे ₹190 में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ देखिए CP यानी क्रय मूल्य 250 दिया है, और SP दिया है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ₹190, तो इसको लॉस होगा, हानि होगी। तो लॉस बराबर होता है CP - SP, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर ₹60 का लॉस होगा यानी हानि। तो परसेंट लॉस या लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस अपॉन CP इसका फार्मूला होता है × 100। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, 6 × 4 = 24, 24% का लॉस होगा यानी हानि 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5, 5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो यहाँ 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष दिया है, तो कुल आयु निकालना है, तो औसत से गुणा कर देंगे, तो कुल आयु 48 वर्ष होगी 3 लड़कों की। अब इसमें अनुपात दिया है तीनों लड़कों की, अनुपात में योग देखें तो 7, 5, 12, 4, 16 हो रहा है, और यहाँ पर कुल आयु दिया है 48 वर्ष, तो 1:1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो 16 × 3 = 48 कैंसिल आउट करेंगे, तो सबसे छोटे लड़के की आयु तो देखना है, तो यहाँ 4 है अनुपात में, तो 4:1 की हो जाएगी 4 × 3, जब 1 = 3 तो 4 = 4 × 3, तो 12 वर्ष सबसे छोटे लड़के की आयु हो जाएगी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹56 प्रति किलोग्राम की चाय ₹82 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण का मूल्य क्रय मूल्य ₹67 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा ₹56 प्रति किलोग्राम और ₹82 प्रति किलोग्राम, ये दो अलग अलग प्रकार की चाय है, और मिश्रण का जो मूल्य दिया है तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो अनुपात आ जाएगा, तो यहाँ इस तरह घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे वैल्यू और इसको आपस में घटा के यहाँ, तो ये अनुपात में वैल्यू होगी 82 और जब 67 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 15, और यहाँ 56 और 67 माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 11, तो ये जो अनुपात होगा तो 15:11 होगा, यही इसका सल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकें तो इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो ये सीधे सीधे लिख लेंगे इसको, 9 × 16, 9 आदमी 16 दिन में समाप्त करते हैं एक काम को, तो उसी काम को 24 दिन में समाप्त करना हो तो यक्ष आदमी, यहाँ पर आदमी यक्ष मान लेंगे, दिन 24 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 8 × 16, 8³ = 24, 3³ = 3, 3³ = 9, तो 2³ = 6 हो जाएगा, मतलब यक्ष बराबर 6 दिन। इसी में देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इसमें ₹10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर 9 महीने का साधारण ब्याज महीने में दिया है इसमें समय, तो यहाँ पर सीधे सीधे SI यानी साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन गुणे, यहाँ मूलधन 10,000 है, गुणे दर 6% और समय माह में दिया, तो इसको वर्ष में बदलना है, तो 12 से भाग करेंगे, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, लेकिन यहाँ माह को वर्ष में चेंज करना है, तो 12 से भाग कर देंगे, यहीं पर कैंसिल आउट करेंगे तो 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, और यहाँ पर 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, अब 50 × 9 करेंगे तो 9 × 5 = 45, मतलब ₹450। तो ये इस तरह से मैथ के 15 क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग के देख लेते हैं 5 प्रश्न। पहला देखिएगा, यहाँ सीरीज है 1, 5, 13, 25, 41 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि कितने कितने का अंतर है या कितना कितना जोड़ा है। तो पहले 4 जोड़ा तो 1, 4, 5, फिर 5 में 8 जोड़ा, 8, 5, 13, तो देखिएगा 4 का टेबल यहाँ चल रहा है, 4 का 4, 4 × 2 = 8, फिर यहाँ पर देखिए 13 से 25 हुआ तो मतलब 12 जोड़ा, 13, 12, 25 होता है, तो 4, 8, 8, 4, 12, 4 का 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, यहाँ पर जोड़ दिया 16, 4 × 16 = 25, 16 = 41 होता है, अब यहाँ 4 × 5 = 20, 4 का टेबल जोड़ रहा तो यहाँ पर
61। नेक्स्ट देखिएगा, यदि ए वाई एस को बी ए टी लिखा जाता है तो बी वाई एस को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा ए वाई एस की कोडिंग किया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बी ए टी के रूप में, तो बी वाई एस का यहाँ पर पूछ रहा है कि किस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए से बी हो गया, मतलब एक बढ़ाया है, एक प्लस किया, फिर वाई से ए में आया तो इसमें दो जोड़ा है क्योंकि वाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद ए, और एस है ए टी हो गया तो प्लस वन किया है। तो जिस तरह फर्स्ट वाले में कोडिंग किया है इसी तरह सेकंड में करेंगे, तो प्लस वन करेंगे, यहाँ प्लस टू और यहाँ प्लस वन, तो बी में एक जोड़ेंगे तो सी आएगा, और वाई में दो बढ़ाएंगे तो वाई के बाद जेड और जेड के बाद ए, और एस में एक जोड़ेंगे तो टी आएगा। तो इसका कोडिंग होगा कैट बी वाई एस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का, देखिए इसमें रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ की पोते की भाभी है, तो यहाँ पर देखिए अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? तो देखिएगा ये अमित परिचय दे रहा है तो इसलिए अमित को बाईं ओर लिखेंगे, और ये लड़की की ओर इशारा कर रहा है तो जिसकी ओर इशारा करते हैं उसको दाईं ओर लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि यह लड़की मेरी माँ, मतलब अमित की माँ, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर मेरी माँ की पोते, तो इसकी अमित की माँ का पोता यानी अमित का पुत्र, यहाँ पर लिखेंगे पुत्र, तो इसका पोता कहलाया, की भाभी है, तो मतलब इसके दो पुत्र हैं, एक और पुत्र होगा और इसकी वाइफ होगी ये लड़की, ये लड़की यहाँ पर आ जाएगी तो ये इसकी फिर भाभी लगेगी, तो इसका मतलब ये दो भाई। तो कह रहा कि अमित का उस लड़की से क्या संबंध है? सबसे पहले ये डायग्राम तैयार करेंगे, और डायग्राम में देखिएगा पुत्र की पत्नी पुत्र वधू, तो ये पुत्र वधु, तो ये अमित का संबंध लड़की से ससुर का होगा, तो ये याद रखिएगा इसका आंसर होगा ससुर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगला अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पर यहाँ क्या आएगा, प्रश्नवाचक है, यहाँ पर तीन बढ़ाया है तो ए से डी में पहुँच गया, फिर यहाँ पर घटा दिया है एक, तो जब भी इस तरह का आप लोगों को सीरीज मिले तो ये अल्टरनेट टेबल की सीरीज कहलाती है, मतलब फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पर प्लस दो करेगा, और यहाँ पर सेकंड से फोर्थ में जाएंगे तो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी मतलब प्लस तीन करेगा, यहाँ पर देखिए सी के बाद डी ई मतलब दो जोड़ा, तो यहाँ पर इसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क का उत्तर मिलेगा तो ये तीन जोड़ने से मिलेगा, तो एच आई जे, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा जे। श्रृंखला को पूरा करो, तो यहाँ 20 फिर 19 हुआ, मतलब यहाँ पर एक घटा दिया तो यहाँ पर पहले माइनस एक किया है, फिर 19 से 17 हो गया माइनस दो किया, तो अगला टर्म के लिए माइनस तीन करना पड़ेगा, तो वैल्यू 14 होगी, मतलब इसका उत्तर 14 होगा। अब माइनस चार करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर माइनस पाँच करेंगे तो ये सीरीज क्रम से चल रही है, इसलिए इसका आंसर 14 होगा। और आप लोगों को आर्मी के सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, कुछ सॉल्व पेपर वहाँ पर अपलोड हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है सॉल्व पेपर से के नाम से, और आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे।